लगातार डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं और पेट्रोल तो कुछ जिलों में 100 के पार चला गया। मोदी जी को बताना पड़ेगा कि दुनिया में जब पेट्रोलियम प्रोडक्ट के दाम कम हो रहे हैं तो भारत में किस तरह से ये दाम बढ़ाए जा रहे हैं। धीरे धीरे हर दिन कुछ ना कुछ बढ़ाया जाता है। ये मोदी जी की सरकार लोगों की जेब काटने का काम कर रही है, पाकिटमार सरकार बनी है क्या, ऐसा सवाल खड़ा हो गया है। अभी कोरोना का संकट है, इस तरह से डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाना, इसके असरात महंगाई बढ़ाने के लिए सभी क्षेत्र में होते हैं। लोगों की लूट ये बंद हो और जिस अनुरूप में दुनिया में तेल के दाम है उसी अनुरूप में देश में तेल के दाम होने चाहिए और तेल की लूट बंद हो हम मांग करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो जिस तरह से वैक्सीनेशन को लेके हालात देश में बने, दवा बनाने वाली जो कंपनियां हैं उनके सरकार के लेके अलग दाम, राज्य सरकार के अलग दाम, प्राइवेट लोगों के लिए अलग दाम, और जिस तरह से लोगों को इंजेक्शन टीका पहुंचना चाहिए था नहीं पहुंचा, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने एफिडेविट फाइल करने के लिए कहा है। निश्चित रूप से सरकार अपनी बात रखेगी, लेकिन ये कहना कि काला बाजार रोकने के लिए हम कुछ कर रहे हैं, जब दवा बनाने वाली कंपनी आपको 150 रुपये में दे रही है, राज्य सरकारों को 2 गुना से ज्यादा पैसा मांग रही है, प्राइवेट लोगों को 3 गुना से ज्यादा पैसा मांग रही है, जब आप उन्हें ऐसे ही कमाने के लिए मौका दे रहे हैं तो कालाबाजारी का सवाल कहां से पैदा होता है। हमें लगता है कि केंद्र सरकार जो दुनिया में दवाएं उपलब्ध हैं उसे इंपोर्ट करने का परमिशन दे, जो दुनिया में दवा भारत में बनाने का परमिशन चाहते हैं उन्हें परमिशन देने का काम करें, और जिस तरह से देश भर में फर्स्ट डोज के बाद सेकंड डोज के लिए दवा उपलब्ध नहीं है, ये भी परिस्थिति बहुत खतरनाक है। अकेले महाराष्ट्र में 4.5 लोगों को सेकंड डोज के टीके नहीं मिले।